बाडरा विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार सोमवीर घसोला ने अपने चुनाव प्रचार को तेज किया है। निर्दलीय उम्मीदवार सोमवीर घसोला खुद को क्षेत्र में कांग्रेस का असली उम्मीदवार बता लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। सोमवीर घसोला ने बाडरा में नारी शक्ति कार्यक्रम में शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाई है। सोमवीर घसोला ने कहा कि कांग्रेस की ओर से वो टिकट के सबसे मजबूत दावेदार थे। बाडरा में आयोजित की गई नारी शक्ति सम्मेलन में जेजेपी और दूसरी पार्टियों से आए कई महिला पदाधिकारियों ने सोमवीर घसोला को समर्थन दिया है। घसोला ने कहा कि कांग्रेस के डमी उम्मीदवार को बाडरा हल्के के गांव में के बारे में जानकारी नहीं है और वो बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो कुड़गांव से चुनाव लड़ने आता है। सोमवीर घसोला ने बीजेपी में जाने की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि वो अपने मरते दम तक बीजेपी में नहीं जाएंगे। हमारी आबादी का आधा हिस्सा है, इक्वलिटी की हम बात। अब इस कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत। बहुत अच्छा समर्थन मिला है नारी शक्ति का और ये प्रोग्राम भी इन लोगों द्वारा आयोजित था। मेरे को तो यहाँ बुलाया गया था और उसका कारण था कि जैसे हमारे को कहा कि आपने लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए अच्छे काम किए हैं तो एक नारी शक्ति सम्मेलन हम कर रहे हैं। तो जैसे आपके सामने अपनी कांता जी, ममता जी और ये अपने दिल्ली से बबीता जी और ये सभी लेडीज अपने राकेश सांदवास जी, इन लोगों ने अपना प्रोग्राम बनाया था ये खुद का और हमारे को बुलाया था कि आपने जो काम किए हैं लड़कियों के लिए, चाहे वो जोजू कॉलेज की बात हो, चाहे वो बालडा कॉलेज की बात हो और चाहे कादमा ना अपना पचगांव गुरुकुल की बात हो, कन्या गुरुकुल की, तो आपने जितने काम कर रखे हैं औरतों के लिए लड़कियों के लिए तो उसके लिए उन्होंने अपना समर्थन दिया ना एक नारी शक्ति ने। भाई मैं तो जो लोगों का समर्थन और प्यार जो मुझे मिल रहा है उस हिसाब से मैं मानता है नहीं ये दूसरी पार्टी वाले कहीं मुकाबले में।